सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर एट मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और यहाँ पर हम हैं ईवी के लैब में। हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र वसी जी, और वसी जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आईजीवा को इन्वाइट किया ईवी के लैब में। हम देखना चाहते हैं कि ईवी में क्या क्या आपने लैब में किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, स्टूडेंट देखेंगे, उनको भी अवेयर हो कि किस तरह से ईवी की काम है। हमारे ईवी का स्पेशलाइजेशन एक कोर्स है। इस स्पेशलाइज कोर्स के अंदर हम ईवी के बारे में बच्चे जब आते हैं तो उनको कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की जानकारी देते हैं। जब उन बच्चों को उन कंपोनेंट्स की जानकारी मिल जाती है, उसके बाद में बच्चे खुद ही अपने प्रोजेक्ट, हम उनको छोटे प्रोजेक्ट देते हैं जहाँ पे बच्चे ये किसी खड़ी बड़ी की याद आ गई मुझे पतली सी, तो ये क्या बच्चों ने बनाया है? ये स्कूटी के ऊपर हम सारी किस तरीके से चार्ज होती है, किस तरीके के इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये जो सेंटर है वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे हमने ये स्कूटी स्टार्टिंग में बच्चों को दिखाने के लिए। दूसरी हमारी जो स्कूटी है, ये बच्चों ने खुद इसका पूरा एक केसेस अपने आप इसको, अच्छा ये रेडीमेड आपने बनाई और दिखाया बच्चों को, कैसे बच्चों ने ये बनाया? बच्चों ने इसको इसके अंदर एक मोटर बच्चों, ये जो इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो एक्सल है, एक्सल के ऊपर ये जो हब मोटर है, ये बच्चों ने अपने आप इसके अंदर फिट किए। फिट करने के बाद में इसका जो इसको चलाने का जो काम है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, वो बच्चों ने इसके नीचे अच्छा ये लेड एसिड बैटरी लगाई है इसमें और कंट्रोलर वगैरह लगे हैं। ये रनिंग मोटर है, और ये इसी तरीके से बच्चों ने एक और मॉड्यूल बनाया है जो साइकिल भी का मॉडल है, जिसके अंदर आगे वाले टायर के अंदर उन्होंने हम मोटर लगा करके इसको, तो इसके अंदर दोनों तरीके से हम इसको चला सकते थे कि इसको जो बैटरी का जो पावर जो दे रहा है वो पावर बैंक के नीचे की तरफ दिया है, और इसको हम मोटर जिसमें हमने पहले इंजन फिट किया था, रेट्रो फिट किया था, वही इंजन से भी हम इसको चला सकते थे, लेकिन अभी इसको इंजन को हमने स्पीड इंजन इंजन स्पीड 30 किलोमीटर छोटी ये देख रहे हैं।